आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह नीतीश कुमार पर हमला करने का एक भी मौका नहीं गंवाते हैं। एक बार फिर अपने फेसबुक पोस्ट को लेकर चर्चा में है सुनील कुमार सिंह। दरअसल सुनील कुमार सिंह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर लिखा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं, इसे नीतीश उम्र पर हमला माना जा रहा है। सुनील कुमार सिंह ने कहा कि यात्रा के दौरान मिले एक लड्डू के डब्बे पर यह लाइन थी जिसे हमने लिखा है, इसका राजनीतिक मायने नहीं निकाला जाना चाहिए। दिल्ली से पटना यात्रा के दौरान कानपुर स्टेशन पर मेरे एक शुभचिंतक ने लड्डू दिया, उसी के डब्बे पर यह बात लिखी थी। सुनील सिंह आगे लिखते हैं, यह कहावत बिहार के मौजूदा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सटीक बैठती है। अब सवाल यह उठ रहा है कि सुनील कुमार सिंह ने अपने इस पोस्ट के जरिए किस पर निशाना साधा है। सुनील कुमार सिंह ने अपने इस पोस्ट में आगे लिखते हैं कि काफी अरसे बाद बीती रात तेजस राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन से नई दिल्ली से पटना का सफर कर रहा था। कानपुर स्थित मेरे किसी शुभचिंतक को यह जानकारी प्राप्त हुई कि मैं ट्रेन से ही नई दिल्ली से पटना जा रहा हूं। अंततः उन्होंने मुझे सौगात स्वरूप कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर वहां का मशहूर ठग्गू का लड्डू गिफ्ट किया। इसके डब्बे पर ही लिखा हुआ है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने इस स्लोगन को पढ़ते ही मेरे मन में तरह तरह और भांति भांति की बातें उमड़ने और घूमने लगी, जो संभवतः बिहार के मौजूदा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सटीक बैठता है। वैसे आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह लगातार अपने पोस्ट के जरिए नीतीश कुमार पर निशाना साधते रहते हैं। इसके कारण कई बार बड़ा विवाद भी हो चुका है। खुद लालू प्रसाद यादव ने सुनील सिंह को बयानबाजी बंद करने की सख्त चेतावनी दी थी, लेकिन सुनील सिंह अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए नीतीश कुमार पर निशाना साधते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।